तो आपको मालूम है मीडियम के लिए हमको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की जरूरत पड़ती है तो एक नया कॉलम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का बना लेते हैं ये फोर देन फोर प्लस फाइव नाइन नाइन प्लस थर्टीन ट्वेंटी टू ट्वेंटी टू प्लस ट्वेंटी फोर्टी टू फोर्टी टू प्लस फोर्टीन फिफ्टी सिक्स फिफ्टी सिक्स प्लस एट सिक्सटी फोर एंड सिक्सटी फोर प्लस फोर सिक्सटी एट तो आपने क्यूमलेटिव फ्रीक्वेंसी का कॉलम बना लिया एक चीज हमेशा चेक कर लिया करिए कि ये जो टोटल नंबर है एन क्वेश्चन में गिवन है आपको 68 और आप इनको एडअप्ट करके भी वेरीफाई कर सकते हैं 68 ही आएगा ये ये टोटल नंबर और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की जो लास्ट वैल्यू है ये दोनों हमेशा इक्वल होने चाहिए अदरवाइज आपसे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालते समय कहीं सिली मिस्टेक हो गया होगा इस बात का आप ध्यान रखिएगा नाउ सिंस एन इज इक्वल टू सिक्सटी एट देयर फोर एन बाई टू इज इक्वल टू थर्टी फोर और ये 34 कहाँ लाई कर रहा होगा इस 42 के अंदर ये जो क्यूम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी 42 है इसके अंदर ये 34 लाई कर रहा होगा तो इस वजह से इसके ठीक सामने जो क्लास है दिस वन 125 टू 145 ये जो क्लास इंटरवल है इसको आप बोलेंगे मीडियन क्लास मीडियन क्लास एंड द लोअर बाउंड्री ऑफ मीडियन क्लास जो 125 है वो आपका l हो गया फार्मूला में l की जरूरत पड़ती है आपको मालूम है नाउ

और कैलकुलेट करना है बस एल के प्लेस पे आप लिखेंगे 125 लोअर ऑफ क्लास प्लस थर्टी फोर माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी किसका ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग द मीडियम क्लास वो है आपका ट्वेंटी टू अपॉन फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियम क्लास ट्वेंटी इन टू क्लास साइज एच विच इज ट्वेंटी नाउ सिंपल कैलकुलेशन है 20 से 20 कैंसिल हो गया आपके पास क्या बच रहा है 125 प्लस 1 थर्ड सॉरी 34 22 34 22 इज 12 एंड वी नो दैट 125 12 इज 137 तो ये 137 जो है ये आपका क्या है मीडियन ठीक हमने मीडियन निकाल लिया सेकेंड काम है का हमको मोड कैलकुलेट करना है ठीक मोड की बात करें अगर तो फार्मूला आपको मालूम है l प्लस एफ वन माइनस एफ नॉट अपॉन टू एफ वन माइनस एफ नॉट माइनस एफ टू इन टू एच ये आपका मोड का फॉर्मूला था अब हमको ये पता करना पड़ेगा एफ वन एफ टू एफ नॉट एच एल ये सब क्या है ये हमको देखना पड़ेगा तो मोड निकालने के लिए क्या करते हैं ये जो वैल्यूज गिवन है फ्रीक्वेंसी हमको मोड के लिए क्यूमलेटिव फ्रीक्वेंसी की जरूरत नहीं है तो मैं एक काम करता हूँ जिसकी जरूरत नहीं है मैं उसको इरेज कर देता हूँ ठीक है इसको मैं इरेज कर देता हूँ जानबूझ के कि कहीं प्रॉब्लम ना हो कंसेप्ट में अब इस सब चीज को मैं हटा देता हूं ना अब since हमको मोड निकालना है तो मोड निकालने के लिए आपको किसकी जरूरत पड़ेगी मॉडल क्लास की जरूरत पड़ेगी मॉडल क्लास कैसे पता करते हैं मैक्सिमम वैल्यू देखिए इसमें फ्रीक्वेंसी की मैक्सिमम वैल्यू आपको मिलेगी 20 ये तो ये जो 20 इसको आप f1 बोलेंगे और ये 125 टू 145 अगेन ये आपका मॉडल क्लास हो गया मीडियन क्लास भी यही था और ये मॉडल क्लास हो गया आपका मॉडल क्लास की जो लोअर बाउंड्री है वो आपका हो जाएगा एल क्लास साइज एच अगेन स्टिल रिमेनिंग सेम ट्वेंटी ठीक इसके ऊपर जो फ्रीक्वेंसी है वो आपका हो जाएगा एफ नॉट और इसके नीचे वाली फ्रीक्वेंसी हो जाएगी एफ टू अब आपको एफ वन एफ टू एफ नॉट एच एल सारी चीजें पता चल गई है बस आपको वैल्यू सब्सिट्यूट करके सॉल्व करना है मैं यहां पे करता हूं एल के प्लेस पे आप लिखेंगे वन ट्वेंटी फाइव प्लस एफ वन के प्लेस पे आएगा आपका ट्वेंटी माइनस एफ नॉट इज थर्टीन अपॉन ट्वाइस ऑफ एफ वन विच इज ट्वेंटी माइनस एफ नॉट थर्टीन माइनस एफ टू फोर्टीन इंटू एच एच इज ट्वेंटी क्लास साइज नाउ विच इज इक्वल टू वन ट्वेंटी फाइव प्लस देखिए ट्वेंटी माइनस थर्टीन होता है सेवन इंटू ट्वेंटी ये ट्वेंटी अपॉन टू इंटू ट्वेंटी इज फोर्टी -13, -14 से आपको मिलेगा -27, तो ये -27 कर ये कर लीजिए अगेन मिलने वाला आपको और आपको मालूम है है ये ये जो वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं आप मैं आपको डायरेक्ट बता रहा हूँ ये होता है टेन पॉइंट सेवन सिक्स 10.76 और अब आप इनको ऐड करिए 125 ट्वेंटी फाइव प्लस टेन पॉइंट सेवन तो इससे मिलेगा आपको तो आपका मोड है मैं अलग से लिख देता हूं मोड है आपके पास 135.76 लास्ट एक चीज बस निकालना बचा हुआ है मीन मीन निकालना और भी इजी है वेल well, मीन निकालने के लिए आपको क्लास मार्क की जरूरत पड़ेगी तो क्लास मार्क का कॉलम बना लेते हैं क्लास मार्क डिनोटेड बाय एक्स आई क्लास मार्क क्या होता था मिड वैल्यू ऑफ क्लास इंटरवल 65 टू 85 इनके बीच में वैल्यू क्या मिलेगा आपको 75 आप कैसे कैलकुलेट करेंगे 65 प्लस 85 अपॉन 2 उससे पता करेंगे आप नाउ सिंस क्लास साइज यूनिफॉर्म है 20 का तो आपको सक्सेसिव वैल्यूज कैसे पता चलेगी 20 ऐड कर करके मिल जाएगा 75 20 इज 95 95 20 115 करिए जाएगा अगेन विल विल गिव गिव यू यू एंड फाइनली लास्ट कॉलम जिसकी जरूरत पड़ेगी वो fi xi कर fi xi. मतलब क्या? ये fi और ये xi, इन दोनों वैल्यूज को मल्टीप्लाई करना सेवेंटी फाइव 115, 115 into 13 is 1495. 135 into 20 is 2700. ये 7 है into is 2170, ये ध्यान रखिएगा. 155 14 2170. आप कर सकते हैं 175 into 8 is 1400. 195 into 4 is 780. Now, ये टोटल n. ये तो आपको given है क्वेश्चन में ही 68 आप ऐड भी कर सकते हैं इसको और समेशन ऑफ एफ आई इंटू एक्स आई ये टोटल जब आप एल्जेब्रिक ऐड करेंगे तो ये मिलेगा आपको 9320 नाउ वी नो दैट मीन इज मीन को एक्स बार से डिनोट करते हैं मीन इज समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई अपॉन एन नाउ मीन इज ये वैल्यू कितना आपके पास 9320 अपॉन एन इज सिक्सटी एट बस आपको इसको डिवाइड करना नाइन थाउजेंड थ्री हंड्रेड एंड ट्वेंटी अपॉन सिक्सटी एट इसको डिवाइड करेंगे तो ये आपको मिलेगा वन थर्टी सेवन पॉइंट जीरो फाइव कैलकुलेट करना आपका काम है मैंने डायरेक्ट विदाउट कैलकुलेशन मैंने बता दिया आपको ठीक है टाइम सेव करने के लिए तो ये फाइनली आपका क्या है मीन आपने मीन भी निकाल लिया मोड भी निकाल लिया मीडियम भी निकाल लिया सो दिस कंप्लीट्स सर सोल्यूशन लेट एस नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज